अच्छा भाई, तो हमने अपना ये यूआरएल जो था क्लाउड वाला यूआरएल, इसको डाल दिया है यहाँ पे, एनालिसिस कर रहा है ये। और एनालिसिस करने के बाद जो है वो क्या कर दिया हमने, क्या हो गया, कंप्लीट क्यों नहीं हो रहा। अच्छा, हो गया। अच्छा, पैकेजेस, पैकेज फॉर स्टोर्स, ठीक है, ये वाला जो फीचर है ना, इससे होता क्या है कि आप इसी PWA का एक स्टोर पब्लिशेबल पैकेज डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, विंडोज़ स्टोर, एंड्रॉयड और iOS। तो हम जो है ना iOS को और एंड्रॉयड को, इन दोनों को हम कवर कर लेते हैं, ठीक है, बाकियों को हम कवर शायद ना कर पाएँ। अच्छा, विंडोज़ को इसलिए नहीं कवर कर पाएंगे हम कि विंडोज़ में भी एक्चुअली तो एंड्रॉयड चल रहा होता है, लेकिन ये विंडोज़, ये उस वाले की बात कर रहा है, वो MSI वाला जो है उसकी बात हो रही है ये। तो वो विंडोज़ फ़ोन का, मेरे ख्याल है वो वाले फ़ोन का कोई फीचर रहा नहीं है अब, फ्यूचर ना, वो ख़त्म हो गया सारे। या समझ लो कि विंडोज़ पे, डेस्कटॉप पे ये इंस्टॉल होने वाली ऐप डाउनलोड करके देगा, क्योंकि डेस्कटॉप पे तो अभी भी वही वाली विंडोज़ है, एंड्रॉयड वाला नहीं आया अभी, ठीक है। मे बी वो इन फ्यूचर डेस्कटॉप में भी एंड्रॉयड को लेकर आ जाए, कोई पता नहीं है। एंड्रॉयड वैसे है इतना पावरफुल कि डेस्कटॉप पूरे की जगह ले सकते हैं, लेकिन अभी तक जो है वो डेस्कटॉप के ऊपर उनका वही चल रहा है पुराना, जिसपे एग्जी फाइल जो चलती है, और उसके अंदर जो कर्नल उन्होंने लगाया हुआ है वो हाइब्रिड कर्नल है, उन्होंने खुद तैयार किया है फ्रॉम स्क्रैच, तो वो कर्नल उसके अंदर चल रहा है। अच्छा, तो हम, मेरा ख्याल है कि शुरू कर लेते हैं एंड्रॉयड से। अच्छा, एंड्रॉयड का पैकेज हम जब हिट करते हैं, तो देखो सबसे पहले ना, किसी भी एंड्रॉयड ऐप के अंदर, या एक्चुअली किसी भी मोबाइल ऐप के अंदर, इसका ना पैकेज आईडी होती है। तो ये पैकेज आईडी है कि इसने खुद से सजेस्ट कर दी है, तो लेकिन मैं इसको ज़रा छोटा कर लेता हूँ, बहुत लंबी हो गई है, ठीक है। com.appspot.r.eu, इसमें डॉट डॉट करके कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। आमतौर पे होता ये है कि कॉम डॉट के बाद कंपनी का नाम होता है और उसके बाद ऐप का नाम होता है ना, आमतौर पे ये होता है, कॉम डॉट कंपनी नेम डॉट ऐप नेम, ठीक है, आमतौर पे इस तरह रखते हैं, लेकिन आप इसमें डॉट डॉट करके कुछ भी लगा सकते हैं। और ये जो है आपके जो मोबाइल ऐप है उसकी यूनिक आइडेंटिटी होती है उस फ़ोन के अंदर जिसमें आप उसको इंस्टॉल कर रहे हैं। अच्छा, इस पैकेज आईडी का अवेलेबल होना भी ज़रूरी होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे जो VLC प्लेयर ने जो पैकेज आईडी इस्तेमाल कर ली है वो आप नहीं कर सकते, अगर आप करेंगे तो आपकी ऐप उनसे कॉन्फ्लिक्ट करती रहेगी फिर बार बार। तो इसके भी कुछ टूल्स वूल्स होते हैं, वो मेरे ख्याल अभी रेलिवेंट नहीं है। तो आपकी कंपनी का अगर आप नाम बीच में डाल देते हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली ये वाला इशू आपके पास नहीं आएगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि डॉट करके ना कुछ यहाँ पे ऐसे डिजिट्स डाल देते हैं, तो फिर वो बिल्कुल ही यूनिक हो जाता है, फिर उसमें मसला हल हो जाता है वो वाला सारा, ठीक है। या यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ डाल देते हैं, अल्फा न्यूमेरिक कोई चीज़ ऐसी डाल देते हैं जिससे वो ऐप बिल्कुल यूनिक हो जाती है आपकी, ठीक है। अरे ये क्या कर दिया मैंने, अच्छा उसके बाद है जी ऐप का नाम। जाहिर है जब स्टोर पे पब्लिश होगी आपकी ऐप, तो ऐप का कोई नाम होगा आपके, ठीक है, और कोई शॉर्ट नेम होगा आपके। कुछ और भी सेटिंग्स ये बता रहे हैं कि जी वर्जन क्या होगा और ये सब चीज़ें क्या होंगी। शॉर्ट स्टार्ट URL वही होगा, स्लैश थीम के कलर शलर बता रहा है ये कुछ। बस ये सारा ऑलमोस्ट हमें शायद डिफ़ॉल्ट पे ही रखाना पड़ेगा। अच्छा, ये लॉन्च, सॉरी, ये वर्जन ये होगा कि जो ऐप का आपको, क्योंकि ये APK बना के देगा ना आपको, ये आपको पता है क्या देगा, ये आपको APK देगा। तो APK फाइल जाहिर है जब स्टोर पे पब्लिश करते हो ना आप, तो पहला वर्जन होगा 1.0, जो पहला स्टेबल वर्जन 1.0 होता है भाई, वैसे ही है ना उससे है? नहीं, APK पब्लिश होती है भाई, बिल्ड फाइल क्यों होगी, गूगल प्ले पे APK फाइल जाती है, APK फाइल भी जाती है, साथ में एक दो छोटी मोटी फाइलें और भी जाती हैं, वो अभी पता लग जाएगा कौन कौन सी फाइलें हैं, वो अभी पता लग जाएगा। वो एंड्रॉयड के स्टोर पे या किसी और पे है, क्योंकि एंड्रॉयड प्ले स्टोर पे ना, क्योंकि एंड्रॉयड के प्ले स्टोर के अलावा भी थर्ड पार्टी स्टोर बहुत सारे हैं। अभी हवावे ने अपना बना लिया है ऐप गैलरी के नाम से, ठीक है, इस तरह और भी सैमसंग वालों ने अपना बनाया हुआ है। तो अच्छा, फिर वो APK मिरर वगैरह टाइप के, और वो UC मार्केट करके एक है, तो बहुत सारे स्टोर हैं ना, प्योर APK करके भी एक है, तो वो उनके पूरे पूरे यानी ऐप स्टोर जैसी पूरी ऐप्स हैं, वो आप इंस्टॉल कर लें तो उससे आप बाकायदा चीज़ें इंस्टॉल कर सकते हैं। तो पब्लिश करने का तरीका लेकिन मोर और लेस तमाम जगहों पे सेम ही है, पब्लिश करने का तरीका डिफरेंट नहीं है, ऑलमोस्ट सब जगहों पे पब्लिश करने का तरीका जो है सेम है।
तो भाई ये कुछ इन्होंने यूआरएल वूआरएल मांगे हुए हैं, अब ये इसको आप पढ़ लीजिएगा डिस्क्रिप्शन के, इन्होंने पता नहीं क्या, ये मास्केबल पता नहीं क्या चीज़ है, मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा ये मास्केबल। असल में मैं जब भी इस प्लेटफॉर्म पे आता हूँ तो पहले से कुछ नई चीज़ें नज़र आती हैं मुझे। अडेप्टिव ऐप आइकन PWAs मास्केबल आइकन, ये मास्केबल आइकन क्या बोला यार है? अच्छा मास्केबल आइकन कुछ ऐसा है चक्कर है कि जो है ना उसका वो फ्रंट का टेक्स्ट अलग होता है और बैकग्राउंड कलर जो है वो अलग होता है, कुछ इस तरह की चीज़ है ये मास्केबल आइकन। वेल तो यहाँ पे बहरहाल इसको कुछ आइकन चाहिए, यहाँ पे भी पढ़ लेते हैं ज़रा ये क्या चक्कर है। PNG मिनिमम सेफ जोन ऑफ द ट्रिमेबल पैडिंग इनेबल राउंडेड आइकन सर्टेन एंड्रॉयड वर्जन दिस 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 512 बाई 512 का जो है ना इसको एक आइकन चाहिए विदाउट शेडो, उसमें शेडोज़ नहीं होने चाहिए, ठीक है। और उसको मास्केबल आइकन कह रहा है, अब इसको डिटेल में अभी डिस्कस करना शायद रेलिवेंट नहीं है, ठीक है। आइकन लगाना है आइकन में, अब क्या ही हो जाएगा, ठीक है। मोनोक्रोम आइकन यहाँ पे चाहिए, एक ऐसा आइकन चाहिए जो ब्लैक एंड वाइट हो, मोनोक्रोम हो। ब्लैक एंड वाइट और मोनोक्रोम में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, पता है किसी को ये क्या होता है? ऐसी एक रेलिवेंट सा ऐसी चीज़ है लेकिन ऐसे ही पूछ रहा हूँ मैं, किसी को पता है कि मोनोक्रोम में और ब्लैक एंड वाइट में क्या डिफरेंस होता है? जो ब्लैक एंड वाइट होता है ना उसमें एक पिक्सल या तो पूरा वाइट होता है या तो पूरा ब्लैक होता है, ठीक है। और जो मोनोक्रोम होता है उसके अंदर ग्रे के शेड्स होते हैं, ग्रे का हर शेड मोनोक्रोम के अंदर आ जाता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा ना मोनोक्रोम वर्सेस ग्रे स्केल, एक्चुअली ग्रे स्केल कहते हैं, ब्लैक एंड वाइट नहीं कहते, ग्रे स्केल कहते हैं। तो यहाँ पे आपको ना कुछ फ़ोटोज़ दिख जाएंगी, ठीक है। ये जो है ये वाला मोनोक्रोम है और ये वाला जो है ब्लैक एंड वाइट है, ये वाला जो। तो आप कभी भी कोई प्रिंट वगैरह अगर निकालना हो ना आपने, और इस तरह की कोई फ़ोटो है जिसका आप प्रिंट निकालना चाह रहे हैं, इस तरह की कोई फ़ोटो है, ठीक है। या फिर जैसे असल में मैंने एक ज़माने में ऑटो कैड किया था, तो ऑटो कैड के ऊपर जो हम ड्राइंग्स बनाते हैं ना, इसमें सिर्फ कैड लिख दूंगा ना मैं, तो वो एक्चुअली क्या होती है, वो 3D ड्राइंग होती है। तो अगर उसको अच्छा वैसी अभी कोई चीज़ मुझे दिख रही नहीं है अनफॉर्चुनेटली, वैसी कोई चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही अभी। वेल जैसे इस तरह की अगर कोई चीज़ है ना, इसका अगर आपने ब्लैक एंड वाइट में प्रिंट लगा दिया ना ग्रे स्केल में, तो वो इतनी इंक भर देगा इस पेज के ऊपर कि आपका पेज भी गीला कर देगा वो पूरा, और इंक का पूरा डब्बा खाली कर देगा। मतलब वाइट पेज के ऊपर आपने ये प्रिंट निकालना है अगर, तो अगर इसको आपने लगा दिया ना ग्रे स्केल के ऊपर यानी ब्लैक एंड वाइट पे, तो वो इतनी इंक इसके अंदर डाल देता है कि वो बेड़ा गर्क कर देता है पूरा। तो रैदर आप क्या करेंगे, आप ग्रे स्केल सेलेक्ट करेंगे। ग्रे स्केल में होगा ये कि ये पूरा ब्लैक नहीं होगा, थोड़ा हल्का सा ग्रेश ही रहेगा, ये पूरा 100% ब्लैक नहीं करेगा। और वो क्या करेगा, वो एक एक पिक्सल मारता हुआ जाएगा, दैट्स इट। सॉरी मोनोक्रोम, मोनोक्रोम आप करेंगे सही है। मोनोक्रोम का जो प्रिंट है वो काइंड ऑफ, ये एक्चुअली मोनोक्रोम है ये वाला, सही है। ये एक्चुअली पिक्चर जो है मोनोक्रोम है, ये बंदी की पिक्चर जो है मोनोक्रोम है, सही है। ये सारा मोनोक्रोम है, इसमें से कोई भी ब्लैक एंड वाइट नहीं है। आप इसमें देखें कोई भी पूरा कहीं पे भी ब्लैक नहीं है, ग्रे का शेड है सिर्फ, वाइट भी पूरा वाइट नहीं है, ग्रे का कोई शेड है। चलो वापस आ जाओ इसके ऊपर, तो इसलिए मोनोक्रोम इसने लिखा है यहाँ पे शायद स्पेसिफिकली। अच्छा मैनिफेस्ट URL, ये उसने खुद ही पकड़ लिया है क्योंकि मेरी साइट होस्ट हुई हुई है, तो उसने URL खुद ही डिटेक्ट कर लिया, ठीक हो गया जी। स्प्लैश फेड आउट ड्यूरेशन, स्प्लैश स्क्रीन क्या चीज़ होती है पता है किसी को? स्प्लैश स्क्रीन पहले डिस्कस हो चुका है क्लास में, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं। हाँ मोबाइल ऐप के अंदर जैसे ही मोबाइल ऐप आप खोलते हैं तो शुरू में वो या तो लोगो दिखाता है या कोई ऐसी चीज़ दिखाता है कि ऐप जब तक लोड हो रही होती है, उस स्क्रीन को स्प्लैश स्क्रीन कहते हैं। अच्छा मोबाइल ऐप में क्या होता है कि स्प्लैश स्क्रीन आती ही आती है हर हाल में, भले 2 मिलीसेकंड के लिए आए लेकिन आएगी ज़रूर वो। तो यहाँ पे फिक्स शायद इन्होंने टाइम रखा हुआ है कि जी फिक्स करके ना वो 300 मिलीसेकंड के बाद खुद ही फेड आउट हो जाए, ठीक है।
तो इन्होंने फिक्स टाइम यहाँ पे सेट किया हुआ है। अच्छा जी, फॉल बैक बिहेवियर, फॉल बैक बिहेवियर क्या चीज़ है? ओके, एक्चुअली जो डिस्प्ले मॉड है ना, आई थिंक स्टैंड अलोन, उसका ये फॉल बैक बिहेवियर है। फॉल बैक बिहेवियर ये कस्टम टैब्स दिखा दें या वेब व्यू दिखा दें, इसमें से कोई एक होगा। अब ये फॉल बैक बिहेवियर क्या है उसको हम एक्सपीरियंस करके देखेंगे अभी राइट नाउ, कि वो किस तरह से जो है ना फॉल बैक करेगा, कि अगर वो स्टैंड अलोन ना हो पाए तो वो क्या करें। वेल, नोटिफिकेशन डेलीगेशन क्या है? ये नोटिफिकेशन डेलीगेशन ये है कि जैसे ही ऐप खुलेगी ना तो वो नोटिफिकेशन के लिए एक परमिशन ले लेगा, सही है, क्योंकि आपका जो सर्विस वर्कर है अंदर, अभी हमने नोटिफिकेशन को डिस्कस नहीं किया, कर लेंगे होपफुली आज की क्लास में नहीं तो कल की क्लास में। तो वो नोटिफिकेशन की आईडी आपको जब भी मिलती है, नोटिफिकेशन के लिए ना आपको मिलती है एक डिवाइस आईडी। वो किस तरह होता है कि जैसे ही आपकी ऐप ओपन होती है तो आप एक फंक्शन रन करते हैं, ठीक है, और फंक्शन रन करके ना आप कहते हैं कि गेट डिवाइस आईडी। वो डिवाइस आईडी कोई हार्डवेयर की आईडी नहीं होती है, कोई प्रोसेसर आईडी नहीं होती, वो जस्ट एक इमेजिनरी समझ लें आप एक आईडी होती है जो आपके सिर्फ नोटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होती है, उसका कोई और काम नहीं होता। और वो चेंज भी होती है हर ऐप के लिए, वो मुख्तलिफ आती है, आप भी अगर 2-3 घंटे बाद उसको चेक करें शायद वो डिफरेंट आ जाए, या 10 दफ़ा ऐप खुलेगी तो वो अलग अलग भी आ सकती है कभी ना। तो तो वो पैकेज नेम वेम के साथ वो एसोसिएटेड होती है, आप अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करें तो शायद दूसरी भी आ जाए। तो ये वो वाली आईडी जो है ना आपको जब तक नहीं मिलती जब तक नोटिफिकेशन की परमिशन आपको ना मिल जाए। अच्छा, क्योंकि ये करेगा क्या, ये करेगा ये है कि आपकी एक एंड्रॉयड की ऐप बनाएगा जो कि एज टू एज होगी, जिसको हम कहते हैं कि क्रोमलेस कहते हैं, क्या कहते हैं उसको यार, कुछ बड़ा अच्छा नाम उसके लिए यूज़ करते हैं। एज टू एज एक ऐप बनाएगा आपके, यानी मोबाइल ऐप एक बनाएगा, उसमें एज टू एज को खोलेगा विंडो, एक ब्राउज़र विंडो खोलेगा एज टू एज, आपको ऐप का कोई पार्ट नहीं दिखेगा उसमें, वो पूरा ब्राउज़र का पार्ट दिखेगा। जैसे होता है ना, आप अपने वेब पेज के ऊपर आप आई फ्रेम लगा सकते हैं, वेब पेज के ऊपर आई फ्रेम लगा सकते हैं ना, आई फ्रेम में क्या होता है, एक वेबसाइट खुलवा देते हैं आप। अगर आप एक वेबसाइट बनाएं जिसमें एज टू एज आप एक आई फ्रेम खोल दें और उसमें कोई दूसरी वेबसाइट खोल दें, है ना, तो पता लगेगा कि ये आपकी वेबसाइट है या डायरेक्ट उसकी खुली हुई है, आपको नहीं पता लगेगा, ठीक है। यही वजह है कि फेसबुक जो है वो आई फ्रेम अलाउ नहीं करता, फेसबुक जो है वो facebook.com आई फ्रेम में खोलेंगे अलाउ नहीं करेगा, अदरवाइज अगर वो अलाउ कर देता है तो आप क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट बनाएंगे smitdemo.appspot.com, उसके अंदर खोलेंगे एज टू एज एक आई फ्रेम, तो उसके अंदर खुलवा देंगे फेसबुक, बॉर्डर भी उड़ा देंगे आई फ्रेम का, सब उड़ा देंगे, तो बंदे को लगेगा ये तो ऐप स्पॉट से फेसबुक खुल गई, होगा ना ऐसा, तो इसलिए उन्होंने आई फ्रेम में अलाउ नहीं किया। वो होता, बहुत सारी वेबसाइट आई फ्रेम में अलाउ नहीं करती, इसी तरह बहुत सारी वेबसाइट जो है वो अलाउ करती है लेकिन वो लिमिटेड हद तक, जैसे गूगल मैप्स है, गूगल मैप्स को डायरेक्ट खुलवाएंगे तो वो नहीं खुलता, लेकिन जब उसका एम्बेडिंग वाला कोड जो स्पेसिफिकली देता है वो खुलवाते हैं तो खुल जाता है। तो इस तरह करके क्या होता है, वो हो जाता है। तो ये असल में एक मोबाइल ऐप बनाएगा इसी तरह, और मोबाइल ऐप में खोलेगा एज टू एज आई फ्रेम, और आई फ्रेम में आपका ये जो होस्टेड ऐप है ना आपकी, जो क्लाउड पे होस्ट हुआ है smitdemo.appspot.com, तो इसको उसमें ओपन करवा देगा। अच्छा, बंदे को लगेगा मैंने मोबाइल ऐप इंस्टॉल की है और मोबाइल ऐप ओपन की है, एक्चुअल में अंदर क्या खुलेगी, वेबसाइट खुलेगी, ठीक है, और वो मोबाइल रिस्पॉन्सिव होगी तो वो छोटी स्क्रीन पे ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। सही है, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होता है PWM में। मैं असल में वो शुरू में कह रहा था ना कि केशे, अभी सर्विस वर्कर में केशे का काम होता है, सर्विस वर्कर हम डिस्कस करेंगे ना, तो वो केशे वेशे वो सारा उसके अंदर डिस्कस हो जाएगा। इवन जो आप इंटरनेट पर रिक्वेस्ट लगा चुके हैं ना, वो दोबारा रिक्वेस्ट लगाएंगे दोबारा वही आएगा, सही है, रिक्वेस्ट मिलेगी, इवन इंटरनेट पर रिक्वेस्ट भेजेंगे उसका जवाब भी मिलेगा बगैर इंटरनेट के, वो ऐसे मिलेगा कि पहले आप वो API कॉल कर चुके होंगे। जैसे आपने एक API कॉल की ना, कुछ सर्च लिखा आपने और सर्च लिख के आपने हिट किया तो कुछ रिजल्ट आ गया, अब वो सेम चीज़ लिख के सर्च करोगे तो रिजल्ट भी आ जाएगा, यानी सेम API जो है ना, जो जिसको हम कहते हैं ना, बड़ा अच्छा यार एक नाम होता है, आइडम पोटेंट रिक्वेस्ट, आइडम पोटेंट जो होती है ना API कॉल,
उसको वो कैशे कर लेता है। आईडी इम्पोर्टेंट एपीआई कॉल क्या होती है किसी को पता है? हम बैकएंड पूरा पढ़ के गुजर गए, ये टॉपिक, ये वर्ड मेरे जहन में अभी आया सवाल से आप लोगों के, किसी को पता है? हम पूरा बैकएंड पढ़ के निकल गए, डेटाबेस पढ़ के निकल गए, ये आईडी इम्पोर्टेंट क्या चीज़ होती है? रिक्वेस्ट, चलो आइटम इम्पोर्टेंट इन द फर्स्ट प्लेस ही होता क्या मुझे भी नहीं पता, मुझे भी बताओ। रिक्वेस्ट तो मुझे पता है, लेकिन आइटम इम्पोर्टेंट का मतलब क्या होगा? ये मैं तुम्हारा वो नहीं समझा, तुमने क्या बताया, दोबारा रिपीट करो। हाँ अच्छा, सारी वैल्यू अगर वन वन है, सारी वैल्यू एक जैसी हैं अगर, तो उसको हम कहते हैं आइडम पोर्टेंट मैट्रिक है ये। अच्छा सही है, हाँ तो चलो खैर, आइडम पोर्टेंट रिक्वेस्ट क्या चीज़ होती है? हाँ अच्छा, आइडम पोर्टेंट रिक्वेस्ट मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मेरे ख्याल में वो क्या होता है, असल में क्या होता है वो अल्लाह ही जाने। असल में क्या होता है वो तो आप लोग गूगल कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने भाई पहले दिन ही बता दिया था, मेरी बातों में आने वाला सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। तो बहुत सारी बातें मैं ऐसे भी कर जाता हूँ जो सही नहीं होती है, वैलिड नहीं होती, तो वो आपका काम है कि उसको क्रॉस चेक करें, मैं तो बोल के निकल जाऊँगा, मेरा काम है बोलना। वेल तो आइटम इम्पोर्टेंट रिक्वेस्ट जो होती है ना, उसका ये होता है कि जैसे एक फिक्स URL है ना, जैसे एक URL है जी https://baseurl/profile/profile की ID है ना, /profile/profile की ID। तो अब ये वाला URL मैं जब भी हिट करूँगा तो मुझे सामने से एक ही बंदे की प्रोफाइल मिलेगी, अनटिल एंड अनलेस के मैं इस URL को चेंज करके उस ID को चेंज करूँगा, तो URL पूरा चेंज हो गया ना, तो फिर मुझे डिफरेंट डेटा मिलेगा। एक ही URL मैं बार बार हिट करूँ, 10 दफ़ा हिट करूँ, 50 दफ़ा हिट करूँ, तो मुझे सेम डेटा मिलेगा। तो ऐसी रिक्वेस्ट जिसको मैं बार बार रिक्वेस्ट करने से जवाब सेम आता है, जब तक मैं URL चेंज ना करूं जवाब चेंज नहीं होता, इस तरह की रिक्वेस्ट को हम आइटम इम्पोर्टेंट कहते हैं। ठीक है, जो पुट की रिक्वेस्ट होती है, पुट की रिक्वेस्ट जो हम एडिट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, पुट की रिक्वेस्ट के लिए ज़रूरी है कि वो आइटम इम्पोर्टेंट हो। ये मुझे अभी बात याद आई है, पुट की रिक्वेस्ट अगर आइटम इम्पोर्टेंट नहीं है तो उसको आप पोस्ट बनाते हैं। मिसाल के तौर पर प्रोफाइल अपडेट की रिक्वेस्ट है, प्रोफाइल अपडेट की रिक्वेस्ट में क्या होता है कि आप एक URL होता है ना, URL क्या होगा, पुट का मेथड होगा और बेस URL स्लैश प्रोफाइल स्लैश और उस प्रोफाइल की ID कि जी ये प्रोफाइल अपडेट हो रहा है। अब इस प्रोफाइल पे आपने क्या भेजा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मे बी जेंडर, तीन चीज़ें हैं मिसाल के तौर पे। ईमेल वगैरह तो इस तरह चेंज नहीं करते आमतौर पे, ईमेल चेंज करने के लिए दूसरा मेथड, तो ये भी तीन, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, ये तीन चीज़ें आप भेजेंगे ना जब उस पर, तो उसका जवाब क्या आएगा, प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुल। अच्छा, यही सेम रिक्वेस्ट, अपडेट सक्सेसफुली हो गया, मैं यही रिक्वेस्ट दोबारा भेजता हूँ, क्या होगा, अपडेट सक्सेसफुली। अच्छा, बार 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 भेजूंगा तो डेटाबेस में कोई चेंज नहीं आएगा, पहली दफ़ा जब भेजूंगा तो वो चेंज हो जाएगा, जो मैंने भेजा है वो आ जाएगा, पुराना हट जाएगा, लेकिन अगली दफ़ा भेजूंगा तो डेटाबेस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और वो जवाब देगा कि भाई हो गया, और दूंगा जब जितनी दफ़ा भी देता रहूं डेटाबेस में फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी पहले ही हिट पे डेटाबेस में चेंज आएगा, लेकिन अगली अब जितनी भी मैं हज़ारों हिट करता रहूं तो डेटाबेस में कोई चेंज नहीं आएगा, पीछे रिसोर्स में कुछ भी चेंज नहीं आएगा और जवाब भी सेम आएगा। तो इस तरह की जो रिक्वेस्ट है उसको आइटम इम्पोर्टेंट कहते हैं। पुट की रिक्वेस्ट अगर आप बना रहे हैं, पुट की रिक्वेस्ट, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो आइटम इम्पोर्टेंट हो। हाँ, उसकी आईडी देंगे, नहीं मगर ये सेम हिट कर रहा हूँ ना मैं, तो सेम जवाब आ रहा है। अच्छा, एक प्रोफाइल अपडेट मैं और बताता हूँ अब। एक प्रोफाइल अपडेट ये है कि जी ऐड अ ईमेल एड्रेस, ऐड ईमेल एड्रेस, ये भी मॉडिफाई है ना, प्रोफाइल अपडेट हो रहा है ना, पहले से एक ईमेल मोस्ट प्रॉब्ली होगा साइनअप के वक्त जो दिया होगा, जैसे गिटहब में आता है मल्टीपल ईमेल आप ऐड कर सकते हैं गिटहब के अकाउंट में, तो अब ऐड ईमेल एड्रेस का एक आपके पास रिक्वेस्ट है। वैसे तो देखा जाए तो ईमेल अपडेट हो रही है तो पुट की रिक्वेस्ट होनी चाहिए, है ना। अच्छा, लेकिन क्या होता है कि जब मैं एक ईमेल डाल के उसको पोस्ट मारता हूँ तो पीछे डेटाबेस में वो ईमेल ऐड हो जाती है, पहली वाली भी रहती है, अभी वाली भी है। अब मैं अगर मज़ीद रिक्वेस्टें मारता रहूँगा तो जितनी ईमेल मैं देता जाऊँगा सब ऐड होती जाएगी,
तो ये आइटम पोर्टेंट नहीं है रिक्वेस्ट, ये तो ये बनेगी पोस्ट, ये पुट नहीं बनेगी। सही है, कोई ऐसी रिक्वेस्ट है जो हो तो अपडेट रहा है, लेकिन क्या होता है कि अगर मैं वो बार 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 करूँगा तो हर दफ़ा डेटाबेस में कोई ना कोई चेंज आएगा। मे बी मैं पुराना भी रख रहा हूँ नया भी रख रहा हूँ, मे बी अगर नाम चेंज करता है कोई तो मैं पुराना नाम भी रखता हूँ नया नाम भी रखता हूँ, और मैं बार बार वो उसी को वो करता हूँ। ये तो पोस्ट और पुट में मैंने डिफरेंस बता दिया। मोस्टली क्या होता है कि रिक्वेस्ट पुट की होती है लेकिन वो आइटम इंपॉर्टेंट नहीं होती तो हम उसको पोस्ट बना देते हैं। ठीक है, बाकी गेट गेट की रिक्वेस्ट में ये होता है कि जी अगर आपके पास कोई जो यूआरएल है ना, यूआरएल में तमाम तर इन्फॉर्मेशन यूआरएल में होना चाहिए। गेट की रिक्वेस्ट के लिए रिक्वायरमेंट ये होती है कि जो भी आप भेज रहे हैं ना डेटा, वो तमाम तर चीज़ें यूआरएल के अंदर होनी चाहिए फिक्स। सही है, कोई ऐसी चीज़ ना हो जो बॉडी वर्ड बॉडी, हालांकि भेजा जा सकता है, मैं गेट की रिक्वेस्ट में बॉडी डाल के भेजूंगा पहुंचेगा सर्वर पे, और सर्वर से जवाब दूंगा मैं बॉडी डाल के भेजूंगा वो भी आ जाएगा। सही है, बिल्कुल सेम जिस तरह पोस्ट चलता है इस तरह गेट भी चला सकता हूँ मैं, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि गेट में कभी भी मैं कोई चीज़ बॉडी वगैरह में ना डाल के भेजूँ, मैं तमाम की तमाम चीज़ यूआरएल में रखूँ, आइदर यूआरएल पैरामीटर और क्वेरी पैरामीटर, इन दोनों के अंदर मैं रख के भेजूँ। और अब यूआरएल में रख के भेजने का बेनिफिट क्या होता है कि यूआरएल में रख के भेजने का बेनिफिट ये होता है कि उसको ना वेब ब्राउज़र्स के साथ सिंक करना आसान होता है, वेब ब्राउज़र्स के साथ उसको सिंक करना आसान होता है। अगर कोई वेब पेज है जो आपकी एपीआई को यूज़ करता है तो उसके लिए आसान होता है ये, ठीक है, उसको सिंक करना। अब वो कैसे आसान होता है उसकी मैं मिसाल बाकी बंदों को तो शायद नहीं दे सकता, लेकिन मुजम्मिल अभी पेज बना रहा है शेयर वाला लिंक, तो उसमें क्या होता है यूआरएल के अंदर ही वो आईडी होती है, उसी को उठा के रिक्वेस्ट मारते हो तो आ जाता है, तो उसको वेब पेजेस के साथ सिंक करना आसान होता है। अदरवाइज़ वेब पे अगर पोस्ट वगैरह की रिक्वेस्ट है तो वेब पेज के साथ सिंक करना ज़रा सा उसको डिफ़िकल्ट रहता है। ठीक है, अच्छा वेल क्या बता रहा क्या था मैं, बाई द वे नोटिफिकेशन डेलीगेशन इसके अंदर ही ऐड। अच्छा, तो ये कर रहा क्या था कि ये एक मोबाइल ऐप बनाएगा जिसमें एज टू एज ये क्या खोलेगा, एक ब्राउज़र खोलेगा, एक आई फ्रेम खोलेगा, काइंड ऑफ आई फ्रेम तो एचटीएमएल में कहते हैं, एंड्रॉयड में कॉटलिन में पता नहीं क्या कहते होंगे, लेकिन वो खोल देगा एज टू एज एक ब्राउज़र, उस ब्राउज़र के अंदर आपकी ऐप खुल जाएगी। अच्छा, अब उस ब्राउज़र को वो तो खुला हुआ है, लेकिन अब उस ब्राउज़र के अंदर अगर लोकेशन की रिक्वेस्ट मारूंगा ना वो नहीं मिलेगी, और जावास्क्रिप्ट का कोड वहाँ पे काम करेगा नहीं लोकेशन वाला। तो वहाँ पे ये करते क्या है कि उस एप्लीकेशन में, जाहिर उस एप्लीकेशन का एक पूरा कोड है अपना, आई फ्रेम के अलावा भी चीज़ें उसमें लगाई जा सकती हैं, तो उसमें ये कॉटलिन का कोड एक कोड ब्लॉक ऐड करेंगे जो क्या करेगा, ऐप खुलते ही वो मांगेगा नोटिफिकेशन की परमिशन मांगेगा, और अलाउ कर देंगे आप तो उसको नोटिफिकेशन की परमिशन मिल जाएगी। फिर जब अपने कोड पे अपने सर्विस वर्कर पे आप वो आईडी गेट करेंगे ना, वो आपको फ़ौरन मिलेगी, अदरवाइज़ वो आईडी आपको नहीं मिलेगी। तो डेलीगेशन ही उसको कह रहे हैं, इसी तरह लोकेशन की डेलीगेशन, इसी तरह गूगल प्ले बिलिंग की डेलीगेशन, जो मिसाल के तौर पे आप अपनी ऐप के अंदर किसी जगह क्लिक करते हैं तो एकदम बिलिंग आ जाता है कि जी सब्सक्राइब 299 अ मंथ, ऐसे होता है ना, जो इन ऐप परचेजेस जिसको कहते हैं। तो इन ऐप परचेज में क्या होता है, जैसे आप पबजी खेल रहे हैं या कोई भी ऐसा गेम खेल रहे हैं, उसमें आता है यार ये परचेज करने का बटन, तो वो क्लिक करते हैं तो प्ले स्टोर का एक वो खुल जाता है सब्सक्रिप्शन का बॉक्स, तो ये उसका डेलीगेशन भी अगर आपको चाहिए तो वो भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, मेरा ख्याल है हमें सिर्फ नोटिफिकेशन चाहिए अभी, लोकेशन वगैरह ये सब हमें फ़िलहाल नहीं चाहिए। ठीक है, क्रोम ओएस ओनली बनना करना है, नहीं क्रोम ओएस ओनली नहीं करना है। मेटा क्वेस्ट से कंपैटिबल करना है, मे बी, चलो चेक लगा देते हैं। इफ़ इनेबल एंड्रॉयड पैकेज विल बी कंपैटिबल विद मेटा क्वेस्ट, ओके, कि इसको मेटा क्वेस्ट में भी कोई इंस्टॉल कर पाए। इंक्लूड सोर्स कोड, ये क्या चीज़ है, डाउनलोड विल इंक्लूड द सोर्स कोड ऑफ योर एंड्रॉयड ऐप। अच्छा, ये कह रहे हैं कि अगर आप इसको इनेबल कर दोगे तो क्या होगा कि ना सिर्फ एपीके मिलेगी आपको बल्कि पूरा एंड्रॉयड स्टूडियो का एक प्रोजेक्ट भी आपको दे देगा ये, कि बाद में आप उसमें खुद में छोटी मोटी चेंजेस करना चाहो अगर मे बी, तो आप करके बिल्ड मारोगे तो आपको ऐप बन के मिल जाएगी, लेकिन शायद हमें नहीं चाहिए सोर्स कोड फिलहाल, हमें सिर्फ एपीके से मतलब है। हम जब भी मुझे चाहिए होगा मैं एपीके दोबारा जनरेट कर लूँगा यहाँ से, है ना। और अच्छा, न्यू साइनिंग की, ठीक है, साइनिंग की क्या चीज़ होती है, जब मैं किसी एंड्रॉयड ऐप को स्टोर पे पब्लिश करता हूँ ना तो वो मुझे की देनी पड़ती है, पब्लिक प्राइवेट की का एक चक्कर होता है, तो वो मुझे देनी पड़ती है साथ में, तो वो ये खुद मेरे बिहाफ पे बना देगा। अदरवाइज़ क्या होता है, वो एक SSH का टूल होता है, SSH का पता नहीं क्या होता है वो, है कहाँ है, एलियस, एलियस होता है एक ही बंदे के दो नाम जैसे होते हैं ना, उसको कहते हैं एलियस,
जैसे इलियास होता है उसका निक नेम होता है क्या, उसका निक नेम क्या होता है, गुड्डू, गुड्डू भैया, तो ये एलियस गुड्डू भैया जो वो एलियस है। असल में जो की है ना, ये की का एलियस है, दैट्स इट। जैसे हमारे पास जो जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स होते हैं ना, वेरिएबल्स होते हैं, तो उसका भी हम एलियस बना सकते हैं। कोई वेरिएबल ऐसा है जिसका नाम बहुत लंबा है, तो मैं इसका एक शॉर्टर वर्जन बना सकता हूँ वेरिएबल का। अच्छा, मगर जावास्क्रिप्ट में ये नहीं होता है, जावास्क्रिप्ट में नहीं होता ये, जावास्क्रिप्ट में ये एलियस का ऑप्शन नहीं होता है। होता है? नहीं होता है ना। टाइप स्क्रिप्ट में भी होता है, लेकिन वो एक्चुअली वो एलियस, वो वाला एलियस, वो जुगाड़ से एलियस बनाया हुआ। सी प्लस प्लस में होता है ये, सी प्लस प्लस में, सी लैंग्वेज में भी होता है ये, कि किसी वेरिएबल का आप एलियस बना लेते हैं कि भाई शॉर्ट सा एक नाम। जावास्क्रिप्ट के अंदर भी एलियस आ गया है, पता है कैसे? इम्पोर्ट करते हुए जो आता है, किसी पैकेज को जब मैं इम्पोर्ट करता हूँ ना ES6 में, तो मैं कहता हूँ इम्पोर्ट एक्सियोस एज AX, तो अब मैं नीचे उसको AX करके यूज़ करता हूँ, दैट इज़ कॉल्ड एलियस। जो एज है ना, एज AX, वो एलियस कहलाता है। तो हाँ, जब सॉकेट आयो जब हम पढ़ रहे थे उस वक्त हमने जो उसको किया था, तो उसमें हमने एलियस लगाया था, एज लगाया था। हाँ, तो नॉर्मल वेरिएबल का वो नहीं बनता एलियस शायद, लेकिन इम्पोर्ट करते हुए ये हो जाता है, एज लगा देते हैं। अच्छा, तो जब हम वो सर्टिफिकेट बनाते हैं ना, तो ये सब चीज़ें ना मुझे उसको देनी होती है सर्टिफिकेट बनाते हुए, तो ये सब इसने खुद ही फिल कर दिया मेरे बिहाफ पे, तो दैट्स इट आई थिंक। ये सब अच्छा, अदर एंड्रॉयड की भी कुछ ऑप्शंस हैं, बस मेरे ख्याल है वो भी वही है ऑलमोस्ट, कोई ऐसा इसके अंदर डिफरेंट चीज़ नहीं है। ठीक है, चलो जी, डाउनलोड पैकेज। अब ये मुझे देगा APK, अच्छा किस बच्चे के पास एंड्रॉयड फ़ोन है? अच्छा, आ जाओ गूगल मीट पे, आ जाओ, ताकि वो स्क्रीन पे अपने, मेरे पास नहीं है ना एंड्रॉयड फ़ोन, ताकि वो स्क्रीन पे अपने इंस्टॉल करें ना जब, तो यहाँ पे हम उसकी स्क्रीन देख सकें कि वो क्या कर रहा है, वो कैसे इंस्टॉल हो रही है, आई मीन। हाँ, ये तो अभी तक डाउनलोड ही नहीं कर रहा, पता नहीं इतना लंबा टाइम ले रहा है। नेट इतना भी स्लो नहीं है यार, सही है, 2.5 MB 4 MB तक आ रहा है, गुड इनफ है। अच्छा भाई, ये मैंने तुम्हें मीटिंग बना दी, और सिसबॉर्ग एयर डॉट, अच्छा नहीं, हम तो यहाँ नेटलीफाई वाला यूज़ कर रहे हैं ना, क्या था भाई वो, एयर डॉट क्या था भाई वो, एयर नहीं लिखाएगा। हाँ, ये आ गया ना, नहीं इस क्लास में तो हम अभी अब्दुल अहद की बनाई हुई ऐप यूज़ करेंगे ना यार, ये Batch 7 में किसी ने बनाया था, Batch 7 के बाद Batch 8 ने कुछ नहीं बनाया, अब Batch 9 में अब्दुल अहद ने बनाया ये, तो हम करेंगे ये वाला यूज़, अब्दुल अहद वाला। चलो भाई, ये मीटिंग का लिंक है, ज्वाइन कर लो। लेकिन यार अब्दुल अहद, तुम्हारे में फ़ाइल सेंड नहीं होती, क्या करें फ़ाइल का? अच्छा, फ़ाइल उसमें भी सेंड नहीं होती है, पता है क्यों? उसके साथ जो फायरबेस लगा हुआ था ना, वो पता नहीं भर गया, एक्सपायर हो गया, क्या हुआ, फ़ाइल उसमें भी सेंड नहीं होती। ये आज की ज़िंदगी में डाउनलोड कर लेगा? कर दिया इसने यार, कर दिया, वाओ। लिंक नहीं आ रहा। हाँ भाई अब्दुल अहद, क्या सीन है ये? क्लास की ये रिफ्रेश कर देता हूँ, चलो। फाइल सेंड होती है इसमें अब्दुल अहद? अरे यार, फाइल सेंड कैसे करें? प्ले स्टोर पे पब्लिश हो सकती है, हो सकती है।
अभी फाइल इसको मैं कैसे दूँ कैसे दूँ, अरे इस पे ही दे देता हूँ ना मैं। नहीं नहीं इस पे गूगल मीट पे तो दे सकता हूँ ना मैं फाइल। ज्वाइन करो भाई ज्वाइन करो बच्चा जल्दी। क्या देख रहे हो तुम? कर लिया ज्वाइन? मेरे पास आया नहीं लेकिन कुछ नोटिफिकेशन वगैरह। देख रहे हो मेरा घर चेक कर रहे हो अभी से? ये वो है ना वर्चुअल बैकग्राउंड है। अच्छा वीडियो भी बंद कर देते हैं यार, गुड इनफ। अच्छा ये और भी बंदे आ गए? कौन इसमें सबसे पहला बंदा कौन आया है? बस तुम्हें ही तुम्हारी ज़रूरत है, बाकियों की ज़रूरत नहीं है भाई। बाकी इधर स्क्रीन पे देखो। अच्छा ये मैंने सोशल पोस्टिंग ऐप का ये पूरा जिप उठा के जो है ना तुम्हें यहाँ भेज दिया। अरे ये क्या बकवास है, फाइल नहीं जाएगी इधर, फाइल नहीं भेज सकता मैं यहाँ। ये क्या बकवास है, एयरफोर्स शेयर पे कर रहा हूँ मैं, लेकिन मसला ये है कि वो एयरफोर्स शेयर तुम्हें दिखेगा नहीं ना, या नेटवर्क का बड़ा इशू है यहाँ पे अलग अलग है। मेरे पास प्लस वीपीएन भी लगा हुआ है। हाँ तो 5 MB के अंदर ही होगा ये, 3.5 MB है। अब ये एयरफोर्स शेयर खुल जाए आज की ज़िंदगी में। इसमें ज़रा भेज के चेक करता हूँ मैं क्या रिपोर्ट है इसकी। एयरफोर्स शेयर तो खुल ही नहीं रहा यार, क्या सीन है ये? हाँ व्हाट्सएप मुझे मैसेज करो एक व्हाट्सएप पे। मुझे व्हाट्सएप पे एक एमटी मैसेज करो मैं भेजता हूँ तुम्हें। ये दो बंदों ने मुझे खाली मैसेज कर दिए। क्या है लास्ट में क्या है नंबर के? 6442526444। अच्छा चलो भाई ये मैंने तुम्हें जिप फाइल भेज दी। खुलेगी खुलेगी यार, चलो मैं APK भी अलग से भी भेज देता हूँ। APK भी भेज देता हूँ मैं तुम्हें। चलो मैंने APK भी भेज दिया अलग से। और बोलो अबे यार ये अनसाइंड क्यों डाउनलोड हो गया, साइंड होना चाहिए था इसमें तो। हाँ भाई APK आ गया। हाँ भाई लड़के APK आ गया, अपनी स्क्रीन शेयर करो, अपनी स्क्रीन शेयर करो जल्दी से, सारे बच्चों को दिखा दो कैसे इंस्टॉल होती है ये ऐप। क्या बोल रहा गया है खुलने में भाई, इसको भेजो
इसको फॉरवर्ड करो यार, इसको फॉरवर्ड करो। एरर क्या, मैसेज क्या आ रहा है यार मेरा? अच्छा हाँ, नहीं वो इंस्टॉलर डिटेक्ट नहीं कर रहा है इसको। यार पहला सवाल ये कि अनसाइंड क्यों डाउनलोड हुई है, इसको तो साइंड होना चाहिए। यार गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है यार। अब डाउनलोड हुआ है साइंड एपीके, पहले अनसाइन हो गया था पता नहीं क्यों। यार पहले ना अनसाइन एपीके था, अनसाइन एपीके ना प्ले स्टोर पे पब्लिश नहीं हो सकता। वो असल में पता हुआ क्या था, ये मैंने अदर एंड्रॉइड पे करके ना डाउनलोड का बटन दबा दिया था, ये इधर प्ले स्टोर पे करके दबाना था, इसलिए वो अनसाइन डाउनलोड हो गया था ना। तो ये साइन जो है ना, ये देखो एसेट लिंक जैसन साइनिंग की स्टोर और ये एपीके फाइल, ये सारी अब इसको एक एक करके देखते हैं कि क्या करना होता है इसका। इसको मैं पहले तो तुम्हें ये भेज दूँ ना मैं। क्या चीज़? नहीं एंड्रॉइड की अब आईफोन में क्यों खुलेगी? अबे तुम आईफोन में इंस्टॉल कर रहे हो? खुलनी चाहिए। अभी मैं साइंड एपीके भेजा है मैंने, फॉरवर्ड करो उसको ज़रा। अभी भेजा है मैंने साइंड एपीके, पहले अनसाइन चला गया था, वो तो वैसे ही हमें चाहिए नहीं था वो वाला। अभी ये अभी तक सेंडिंग क्यों हो रहा है यार, बड़ा स्लो है वाकई में, इंटरनेट बड़ा स्लो हुआ होगा। हाँ 1.8 MB है यार हालांकि, लेकिन जो है ना देखो यार गई, आ गई है। चलो इसको इंस्टॉल करो, ये खुला प्ले, इसको भी पता नहीं लग रहा। चलो फॉरवर्ड करो फिर उसको, इसको फॉरवर्ड करो और इसका मोबाइल फिर मुझे दो। यार नया फ़ोन है तुम्हारा तो इसमें तो खुल जाना चाहिए। ये वन प्लस है तो क्या हुआ, वन प्लस ही तो सबसे अच्छा फ़ोन है अभी, मतलब एंड्रॉयड के केस में वन प्लस अच्छा फ़ोन है, या तो गूगल का पिक्सल है फिर दूसरे नंबर पर। सैमसंग वगैरह भी ऐसी ही है, मजाक मस्ती है वो। भाई इसके मोबाइल में जब मैं ये एपीके खोल रहा हूँ ना, तो लिखा हुआ रहा है कि दिस एपीके फाइल माइट कंटेन अनसेफ कंटेंट, अनसेफ, मेक श्योर ट्रस्ट द सेंडर बिफोर यू कैन ओपन एंड इंस्टॉल इट। हाँ भाई ट्रस्ट करते हो? चलो मैं ओपन कर रहा हूँ इसको भाई, मैं अपने आप पे ट्रस्ट करता हूँ। अच्छा अच्छा, जब मैंने इसको ओपन किया ना तो ये ओपन नहीं हुआ, ये कुछ और हो गया, सही है, फेल बोल के वो बंद हो गया। उसने बोला भाई मुझे समझ नहीं आ रहा इसको मैं खोलूँ किसके साथ, सही है।
तो अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, सेलेक्ट करके ना व्हाट्सएप में इस मैसेज को पहले मैं इसको कर रहा हूँ सेव गैलरी के अंदर ना, वो सॉरी फाइल मैनेजर के अंदर। अभी ये तो वो ही नहीं हो रहा, ऑटोमेटिक सेव हो जाता है यार। इसको फाइल मैनेजर में खोलो ना, ये किधर जाके सेव हुआ है, एक मिनट। अच्छा अगर मैं जिसको यहाँ से डिलीट कर दूंगा तो वो डिलीट हो जाएगा परमानेंट। ऑल्सो डिलीट मीडिया रिट्रीव, डिलीट फॉर मी। अच्छा ऊपर के दोनों मैंने डिलीट कर दिए। अच्छा अभी आप ये जो फाइल है ना, ये जो व्हाट्सएप में आई हुई है, इसको फाइल मैनेजर में खोलो ज़रा, इसको फाइल मैनेजर में खोलो, वहाँ से पता लग जाएगा इसको कि कैसे खोलना होता है इसको। ले आओ ले आओ, इधर ले आओ, इधर ले आओ, इधर ले आओ। अबे बस हाथ बढ़ा के फोन दे दो ना मुझे। अच्छा भाई बस सही है ना, दो है ये। अच्छा भाई इसको मैंने क्या कर दिया है, फाइल मैनेजर में ओपन कर लिया है। अबे वो तुम्हारी कॉल क्यों नहीं लगी हुई, कॉल लगी हुई है तुम्हारी? जूम मीट वाली। हाँ जूम मीट वाली नहीं लगी। कैसे लगेगी, मीट है इसमें? मीट नहीं होगा डायरेक्ट। तो तुम कैसे ज्वाइन कैसे करोगे? लिंक से करोगे? अरे यार लिंक से कैसे करोगे बच्चा, मीट करते डायरेक्ट साइन इन मोबाइल हो जाएगा। अच्छा और ये डुओ, डुओ क्या चीज़ है? तुम्हारे पास जरा ही खोलते हैं इस बार। इंस्टॉल कर ली तुमने? गुड। अच्छा भाई ये जयान शेख हो गया, हो गया खुल गई। अच्छा इधर भी तो खोल के दिखाया ना, बाकी बच्चों को भी दिख जाए स्क्रीन शेयर। ये मैं करने लगा हूँ इसका स्क्रीन शेयर। स्क्रीन चली गई। अच्छा भाई अननोन सोर्सेस आ रहा हुआ है इसमें, पता नहीं क्या हुआ है, छोड़ो अभी तो। ये किसने स्क्रीन शेयर कर दी? स्टॉप करो, स्टॉप करो इसको। नहीं नहीं अबे भाई उसको स्क्रीन को स्टॉप कर दो ना। जयान शेख ये मेरे हाथ में जो है, यार ये पिन ऐसे होता है ना, ये पिन हुआ है या अनपिन हुआ है? पिन अब पिन हो गया ना ये, बस सही है। अच्छा तो मैं ये आ गया, ये रहा। इसको जो मैंने भेजी थी ना व्हाट्सएप के ऊपर जो APK फाइल भेजी थी, वो फाइल मैनेजर में यहाँ पे इस तरह शो हो रही है। अच्छा इसको जब मैं क्लिक करता हूँ इंस्टॉल करने के लिए एक्चुअली, ठीक है, तो ये कहता है कि सेटिंग में जाओ, ये इंस्टॉल करना अलाउ नहीं है। तो मैं सेटिंग में जाता हूँ और ये अननोन सोर्सेज आ गया, इसको मैंने कर दिया अलाउ, सही है। अब ये इंस्टॉल का बटन ऑटोमेटिकली मेरे पास आ गया। ये असल में जब प्ले स्टोर के अलावा कहीं और से आप कोई ऐप डाउनलोड कर रहे होते हैं तो ये पूछता है आपसे। अच्छा ये भाई अनसेफ ऐप ब्लॉक्ड मोर डिटेल, नहीं भाई इसको इंस्टॉल एनीवे कर दिया मैंने। असल में ये प्ले स्टोर से नहीं है, इस वजह से ये इतनी दफ़ा पूछ रहा है। वंस ये प्ले स्टोर पर चला जाएगा और साइनिंग सर्टिफिकेट होगा, सब कुछ होगा, तो ये सेट रहेगा। फिर इसको ओपन का बटन दबा देता हूँ। ये ऐप एज अ APK फाइल ये मेरे पास खुल गई है,
सही है, और ये चल गया। अच्छा ये डेस्कटॉप पे कहाँ पे लगा हुआ है, कहाँ पे लगा हुआ है, ये रहा डेस्कटॉप के ऊपर, ये यूट्यूब के ऊपर आप देखें तो आपको नज़र आ जाएगा ये, तो ये ऐसे खुलेगा। इसको अगर मैं बंद करता हूँ, इसको मैं अगर बंद करके इसको मैं दोबारा खोलता हूँ तो ये कुछ इस तरह से खुलता है, ठीक हो गया। अच्छा अब इस, हाँ अब इसके अंदर आप एक नोट करें, ये जो मैं कह रहा था ना फॉल बैक को हम एक्सपीरियंस करेंगे कि वो क्या भला है, वो ये है, ये ऊपर देख रहे हो इसके एक यूआरएल का बार आ रहा है, ये है वो। अच्छा ये कैसे ख़त्म होगा, इसका एक स्टोरी है कि ये कैसे ख़त्म होगा। ये एपीके तो बन गई है, और ये वो क्या कहते हैं पीडब्ल्यूए ऐप तो बन गई है, और ये पब्लिश भी हो जाएगी, लेकिन जब प्ले स्टोर से भी इवन कोई इसको इंस्टॉल करेगा ना तो ये बना हुआ रहा होगा, ठीक है। ये क्यों बना हुआ रहा होगा, क्योंकि ट्रस्टेड नहीं है इस वक्त ये, ठीक है, इस वक्त ये ट्रस्टेड नहीं है। तो इसको ट्रस्टेड बनाने के लिए इन्होंने एक तरीका बताया हुआ होता है, ये एसेट लिंक जेसन की एक फ़ाइल मुझे दी है इन्होंने, राइट, उस फाइल के अंदर ये इस तरह से कुछ फिंगरप्रिंट्स लिखे हुए हैं कि जिस सर्टिफिकेट से ये ऐप साइन हुई हुई है ना उससे कोई इसका मंजन है। मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता कि ये क्या चीज़ है, बट ये ट्रस्टेड का कोई चक्कर है कि क्या कहते हैं, जिस मिसाल के तौर पे मैं ये भी कर सकता हूँ ना यार कि facebook.com एक PWA है ना, मैं PWA बिल्डर में जाऊँगा, टक करके APK डाउनलोड करूँगा, अपने नाम से पब्लिश कर दूँगा फिर, तो ऐसी सूरत में वो क्या करेगा, वो ये करेगा, ऐसे facebook.com दिखा रहा होगा ऊपर, सही है। जैसे YouTube Gmail एक PWA है, अब मैं जाऊँ gmail.com लिखूँ और PWA की ऐप डाउनलोड कर लूँ, APK फाइल, और प्ले स्टोर पर पब्लिश कर दूँ। अब जब कोई डाउनलोड करेगा मेरी ऐप तो खुलेगा अंदर Gmail, तो ऐसी सूरत में ये दिखाएगा ये URL। ये बोलता है कि अगर आपको करना है ना ट्रस्ट तो आप एक काम करो, Gmail की जो वेबसाइट है उसके अंदर जाके ये फाइल रखवा दो, आपकी वेबसाइट होगी तो रखवा दोगे, आप नहीं होगी तो नहीं रखवा पाओगे। तो ये मुझे कह रहा है कि यार ये फ़ाइल आपको मैंने दी है एसेट लिंक की, ये फ़ाइल पकड़ो और जाके अपनी वेबसाइट के अंदर रखवा दो। तो सबसे पहले तो मैं इस फाइल को यहाँ से पकड़ता हूँ, और पकड़ के आ जाता हूँ यहाँ पे अपने पास पब्लिक के फ़ोल्डर में, वेब में गया मैं, वेब के बाद में गया पब्लिक के फ़ोल्डर में। ये मैं कौन सी जगह पर गया हूँ, जहाँ पर मेरा पब्लिक के फ़ोल्डर में जहाँ पर मेरा मैनिफेस्ट पड़ा हुआ है ना, मैं ये उस जगह पर गया हूँ, राइट। अच्छा अब मुझे इसको खुलवाना किस तरह है, ये इसकी भी एक इंस्ट्रक्शन है, वो मैं जाके कहाँ देखूँगा, वो मैं देखूँगा यहाँ पे इसकी इंस्ट्रक्शन के अंदर ना, ठीक है। यहाँ पे देखो छोटा सा लिखा हुआ है पैकेजिंग इंस्ट्रक्शन, कि भाई अब इसको आगे करना क्या है, ये तो आ गई APK तो डाउनलोड हो गई चल गई, आगे क्या करना है, तो आगे ये यहाँ पे बता रहे हैं कि क्या करना है। ये देखो पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइड है ये, जो जो हमने किया और वो भी लिखा हुआ है, उसके आगे का भी लिखा हुआ है, हर चीज़ का आगे डिटेल लिखी हुई है, ठीक है। मास्केबल आइकन क्या है ये उन्होंने यहाँ लिखा हुआ है, सही हो गया जी। आगे चलते जाओ, आगे चलते जाओ, पब्लिश कह रहे हैं कि जी आपकी जब वेबसाइट लिखी जाए ना ऐसे यूं, और स्लैश लगा के वेल नोन स्लैश एसेट लिंक डॉट जेसन जब लिखा जाए, तो कौन सी फ़ाइल आनी चाहिए, वही वाली फ़ाइल जो वहाँ पे उसने दी है। तो मैं क्या करूँगा, डॉट वेल नोन के नाम से एक फ़ोल्डर बनाऊँगा जब अपने पास, कहाँ गया वो, ये रहा, पब्लिक के अंदर जाके मैं डॉट वेल नोन के नाम से एक फ़ोल्डर बनाऊँगा, और उस वेल नोन के अंदर ये एसेट लिंक को मैं डाल दूँगा, सही है। लिहाजा अब होगा क्या, अब ये होगा कि जब मैं CD करके पहले तो इसके अंदर जाऊं, CD कितना है ये 17, सही है, और मैं कहता हूँ npm run dev, और साथ में कहता हूँ मैं npm CD करके पहले वेब में, लेकिन npm start, ठीक है। तो ये मैंने लोकल अपनी ऐप को रन कर लिया है, ठीक है, लोकल मैंने अपनी ऐप को रन कर लिया है। अब मैं क्या कहता हूँ कि मेरे पास जब यहाँ पे ना डॉट क्या लिखा जाए, डॉट वेल नोन लिखा जाए, सही है, स्लैश, स्लैश क्या था, वो एसेट लिंक था ना, सही है, एसेट लिंक डॉट जेसन लिखे, तो ये ऐसी फाइल आ जानी चाहिए, आ गई। अब होस्टेड वाले लिंक के ऊपर ये नहीं होगा ऐसा, अभी जो मेरा होस्टेड वाला लिंक है ना उस पर, इस पर कुछ भी नहीं आ रहा होगा। होस्टेड वाला लिंक मेरा क्या है, smitdemo.appspot.com/, ये लिखूँगा कुछ नहीं आएगा, ठीक है, वो घुमा के मुझे लॉगिन पे लेकर आ गया, क्योंकि वो पेज ही नहीं है, घुमा के मुझे लॉगिन पे लेकर आ गया, ठीक है। मैं अगेन दोबारा ट्राई करता हूँ, एंटर करता हूँ, कुछ नहीं आता है, घुमा के लॉगिन पे ले आता है मुझे, ठीक है, क्योंकि मेरे राउटिंग इस तरह से कन्फिगर हुई हुई है। तो अब मुझे क्या करना होगा, दोबारा से बिल्ड बना के इसकी, मैं इसको रोक देता हूँ, npm run build,
ठीक है, सूडो भी लगा देता हूँ ताकि वो मस्ती ना हो उसमें। सही है, एन पी एम रन बिल्ड चला दिया मैंने, और अब मैं इसको दोबारा से क्लाउड पे भेजूँगा अपने पूरे के पूरे सर्वर को, ताकि बिल्ड का फोल्डर भी नए सिरे से वहाँ पे पहुँचे। ठीक है, एन पी एम रन डिप्लॉय। ठीक है, सूडो एन पी एम रन डिप्लॉय। एन पी एम रन डिप्लॉय हम बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं, जब हमने पहली दफ़ा अपनी ऐप को गूगल क्लाउड पर डिप्लॉय किया था तो उस वक्त हमने ये डिस्कस कर लिया था, और हमने ये स्क्रिप्ट लिख दी थी एन पी एम रन डिप्लॉय। तो दोबारा इसको मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा फिलहाल। ये जैसे ही मेरी ऐप क्लाउड पर होस्ट हो जाएगी, क्लाउड पर पब्लिश हो जाएगी, तो यही वाला फिनोमेना मुझे मेरे उस पर भी मिलना शुरू हो जाएगा, होस्टेड URL के ऊपर, जो कि अभी नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो तब इसको लगेगा, PWA को लगेगा, यानी माइक्रोसॉफ्ट ने जो ऐप बना के दी है मुझे, उस ऐप को लगेगा कि अच्छा जी ये ट्रस्टेड है। तो फिर उसको वो ऊपर जो दिखा रहा है ना, टिकर सा एक दिखा रहा है URL बार, वो एक्चुअली फॉल बैक बिहेवियर है, वो एक्चुअली फॉल बैक बिहेवियर है। हम मैंने तो बाई डिफ़ॉल्ट उसको बोला स्टैंड अलोन दिखना चाहिए, यानी एक ऐप के तौर पर दिखना चाहिए, लेकिन वो फॉल बैक बिहेवियर है कि वो टैब या तो ब्राउज़र बन के आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ भी था कि जी वो फॉल बैक बिहेवियर उसका क्या होगा। यहाँ पे हम जाते हैं ना, तो ये कस्टम टैब एक आ रहा है वेब व्यू, ये कस्टम टैब। वेब व्यू करता तो बाकायदा पूरा क्रोम आ जाता, बाकायदा पूरा क्रोम बना हुआ आ जाता वहाँ। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया, और अब इसको मैं क्या करता हूँ, स्लैश करके टेस्ट करता हूँ कि यार चल पड़ा है नहीं चल पड़ा। पहुँच तो गया मेरा ये क्लाउड पे, सही है, चल पड़ा है। तो अब मेरे ये होस्टेड URL के साथ .wellknown/assetlink.json पे ये वाली फ़ाइल आ रही है, जो कि फ़ाइल मुझे किसने दी थी। अच्छा, ये जितनी दफ़ा मैं APK डाउनलोड करूँगा हर दफ़ा ये फ़ाइल अलग आएगी। सही है, हर दफ़ा ये फ़ाइल एक डिफरेंट फ़ाइल देगा मुझे, और मुझे इसको जो है ना क्या करना होगा, उस पर अपडेट करना होगा। ठीक है जी, तो इसको मैं बंद कर देता हूँ, और अब जाके मैं अगेन इसी फ़ोन के ऊपर, जिस फ़ोन पर मैं पहले ही इसको इंस्टॉल कर चुका था, इस ऐप को, बंद हो गई स्क्रीन। अच्छा, तो मैं इस ऐप को बंद करता हूँ, और बंद करके उसको मैं दोबारा ओपन करने की कोशिश करता हूँ, एंड लेट सी कि क्या होता है। ठीक है, वो वाली चीज़ गायब हो गई, अब ये एक प्रॉपर ऐप की तरह खुल रही है। तो ये अब क्या हो गई, एक ट्रस्टेड ऐप हो गई है। अब मैं इसको प्ले स्टोर पर पब्लिश करूँगा तो ये बिल्कुल सेट पब्लिश होगी, बिल्कुल ओके होगी। ठीक है भाई, वो बताओ मुझे कोई इसका लॉग इन बताओ, कोई क्या था, हाँ, JUMBO@BUM.com और पासवर्ड 123456। ठीक है जी, एंटर। तो ये जी मेरा लॉगिन हो गया, और ये पासवर्ड सेफ का भी ऑप्शन दे दिया इसने, ये भी बता दिया कि ये पासवर्ड बहुत हल्का लगा हुआ है। पोस्ट सारी कहाँ चली गई यार इसकी, ओ ये क्या हुआ यार, लोड मोर खुद से। अच्छा, वो मेरे ख्याल है गलती से हमने जो है ना उसको वैसे ही छोड़ दिया था। नहीं यार, सही है, पहली दफ़ा में कोई ग्लिच आ गया था। ये हर चीज़ स्ट्रेच हुई भी आ रही है इसके अंदर, क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन पे ये उस तरह से ऑप्टिमाइज़ नहीं है जिस तरह से इसको होना चाहिए था, तो इस वजह से ये जो है ना इस तरह से खुल रही है। अगर आपने अच्छी तरह मोबाइल स्क्रीन पे इसको ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है तो ऐसा नहीं होगा आपके पास। ठीक है, इसके अंदर मैं कुछ सर्च वर्च करके ट्राई मारता हूँ ज़रा। 1-to-1 chat, ये लो मैसेज किया मैंने इसको, ब्रेक हो गई है। अब किसी उसको करते हैं ना मैसेज, हाँ ये ABC@ABC वाले को करते हैं, ये मैं हूँ मैसेज। हाँ, ये मैसेज आ तो रहा है, पुरानी बात हुई थी वो कहाँ गई, ख़त्म। अच्छा नहीं है, पुरानी बात हुई भी थी वो आ रही है, लेकिन वो क्या हुआ है कि वो ऊपर ही छोटा सा एक विंडो सा खुल रही है, उसमें ये सब शो हो रहा है। सही है, असल में वो 100% हुआ था ना, तो ये 100% के हिसाब से सही खुला है। मिसाल के तौर पर मैं होम पे जाता हूँ, या मैं गलत आ गया मैं होम पे, देखो ये 100%, ये सारा जो 100% हुआ था ना, वो डिवाइस की विर्थ इतनी उतने पे सेट हो गया। अब डिवाइस की विर्थ इतनी ही है मेरे पास। सही है, डिवाइस की विर्थ जो है वो ये है। तो अब इसके ऊपर अगर मैं चैट पे जाता हूँ तो वो इतने पे ही खुल रहा है, चैट सही खुल रहा है, जो हमने लगाया उसके हिसाब से वो सही खुल रहा है। ये देखो स्क्रीन की विर्थ के हिसाब से बिल्कुल सही खुला है चैट 100% पे। लेकिन जो मेरा नीचे वाला जो है इनपुट बॉक्स, उसकी विर्थ ज़्यादा है, ऊपर का जो नेविगेशन बार है उसकी विर्थ ज़्यादा है,
तो इस वजह से हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बन रहा है, जो कि बहुत ही नहायत ही अनएक्सेप्टेबल चीज़ है कि जी वो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल मारना आना ना किसी वेबसाइट के अंदर, ये इंतहाई अनएक्सेप्टेबल चीज़ है। हाँ, बेइज्जती है बिल्कुल ही, बंदा देखते ही बोल देगा कि यार ये जाना कोई बिल्कुल ही ये बिल्कुल ही कोई थका हुआ डेवलपर है, इसको काम आता ही नहीं है कुछ, ठीक है। लेकिन टाइम की कमी की वजह से हम इन सब चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ नहीं कर सकते थे इस क्लास में, लिहाजा जो कर सकते थे हमने उतना किया, ठीक हो गया जी। और मेरा कोई फ्रंट एंड पे हाथ भी इतना अच्छा नहीं है, ये भी आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा, मेरा बैक एंड पे ज़्यादा अच्छा हाथ है। अच्छा वेल, तो जी हमारे पास क्या हो गई, ये ऐप रेडी हो गई बन के, APK फाइल हमने क्या कर लिया इसका, बिल्कुल साइट मेट कर लिया, ओके ज़बरदस्त कर लिया। अच्छा, अब इसको प्ले स्टोर पे पब्लिश करने का जो सीन है वो भी देख लेते हैं। अच्छा, प्ले स्टोर के ऊपर पब्लिश करने के लिए आपको प्ले स्टोर का एक डेवलपर अकाउंट चाहिए होता है, जिसकी कीमत है $25, आई एम नॉट श्योर कुछ ऊपर नीचे किया उन्होंने तो कुछ इस तरह की स्क्रीनें खुलती हैं वहाँ पे, वो मैं आपको दिखा सकता हूँ फिलहाल के लिए। नहीं, कभी आपसे अगर रिक्वायरमेंट आ सकती है ना कस्टमर की, तो अकाउंट आपको वो देगा, सही है, अकाउंट आपको कस्टमर बना के देता है, उसके नाम का अकाउंट होता है, उसकी कंपनी का अकाउंट होता है, तो अकाउंट आपको हमेशा कस्टमर देता है। आप ऐसा नहीं होता कि आप अपना खुद का अकाउंट बना के किसी की ऐप पब्लिश कर रहे हो। $25, हाँ, ब्लॉक भी हो जाता है अकाउंट अगर आपने उल्टी सीधी कोई ऐप डाली तो। बच्चे हमारे ना ROI इन्होंने सीख लिया ना, वर्ड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो बच्चे हमारे पिछले दिनों क्या कर रहे थे, $25 का बनाते थे अकाउंट और फाइवर पे लगाते थे गिग $5 की, कि यार आई विल पब्लिश योर ऐप इन $5। वो कहते थे यार 5 ऐप पब्लिश करेंगे तो ROI पूरा हो जाएगा, है ना, 25 पूरे हो जाएंगे, उसके ऊपर जो है वो अपना मुनाफा है। उनको ये नहीं पता होता जैसे ही 2 ऐप पब्लिश होती है ना, तो जाहिर है लोग जब दूसरे की ऐप दूसरे के अकाउंट में पब्लिश करा रहा है कोई बंदा, उसने सारी चीज़ों का ख्याल थोड़ी रखा होगा, पता लगता है भाई इसने इस ऐप के अंदर कोई मैस्कॉट लगाया हुआ था, कोई आइकन लगाया हुआ था जो मिनियन के जैसा उसका मुंह था, या कोई ऐसी कार्टून कैरेक्टर लगाया हुआ था जो किसी का डिज्नी का कॉपीराइट है, वो जो है वो बंद हो जाता है अकाउंट। तो ROI पूरा होने से पहले ही जो है वो हंडिया उलट जाती है उनकी। तो ये वाला अगर आप कर रहे हैं तो उसको अच्छी तरह देखभाल के करें, और बेहतर ये है कि ना करें ये हरकत, जिसका जिसकी ऐप है उसको बोले भाई अकाउंट तुम बना के दोगे, क्योंकि इल्लीगल कोई एक्टिविटी होगी तो वो भी आप, जाहिर है किसी ऐप के अंदर कोई इल्लीगल चीज़ भी तो हो सकती है ना, कि वो कोई स्कैमिंग हो, कोई ऐसी पेमेंट रिसीव कर रहा हो वो जो कि इल्लीगल हो, तो इस तरह की कोई चीज़ होगी तो वो भी आप पे बल्ली आ सकती है उसकी, लिहाजा इन चीज़ों से जो है वो परहेज़ करें। फेसबुक पे क्या इल्लीगल काम होता है? यार हमारे यहाँ तो किसी को भी कुछ नहीं बोलते, अगर किसी बंदे की शक्ल वकल आ जाती है सामने तो उसको ज़रा उठा उठा लेते हैं, अदरवाइज़ जो बगैर शक्ल के तो लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं फेसबुक पे, उनके FIRें कटी हुई हैं, वो हो गया है, लेकिन वो आखिर में पता लगता है कि भाई बंदा तो वो दुबई से ऑपरेट कर रहा है, पता नहीं कहाँ से कर रहा है, तो वो उसका कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। बाकी फेसबुक वालों का ये है कि अब मैं बता नहीं सकता उनकी पॉलिसी इस मामले में क्या है, मतलब अगर फ़ोटो कोई लगा रहे हैं ना तो उस फ़ोटो के अंदर अब वो ये थोड़ी देखेंगे कि इस्लामी लिहाज से कितने कपड़े पहने हुए, वो तो बस बोलते हैं निप्पल नज़र आया तो काफ़ी है, वो उनके लिए उनकी पॉलिसी पे पूरा उतर रहा है, वो कहते हैं भाई हम नहीं इसको रिमूव करते। किसी ने अगर कोई आपसे सलम का खाका बना के लगाया हुआ उसके ऊपर, तो वो कहते हैं यार ये तो पेंटिंग है हमारे लिए, उनकी नज़दीक थोड़ी कोई वैल्यू है उसकी, वो कहते हैं यार हमारी पॉलिसी पे ये पूरा उतर रहा है, दैट्स इट। किसी ने कोई किसी बंदे की लगा दी है फ़ोटो या किसी मंजर की फ़ोटो लगा दी है, तो वो अपनी पॉलिसी के हिसाब से देखते हैं, वो आपके हिसाब से थोड़ी देखेंगे कि मुसलमान इसको क्या समझते हैं क्या नहीं समझते। वो कहते हैं भाई जो समझते हो समझते रहो, अपने घर पे समझो। सही है ना? तो बाकी आप देखें YouTube के ऊपर आप सल्लम की जो गुस्ताखाना वीडियोज़ हैं इतनी सारी, वो आज तक मौजूद हैं, कोई कुछ नहीं कर सका, क्योंकि YouTube की पॉलिसी पे वो पूरी उतरती हैं समहाउ, उन्होंने इस तरह से ख्याल रख के बनाया हुआ है, वो कोई कुछ नहीं कर सका आज तक, ना हमारी गवर्नमेंट कुछ कर सकी, ना हमारे इतने सारे जो उलमा थे वो कुछ कर सके, ना हमारे औलिया कराम वगैरह जो भी है हमारे पास हैं जितने, हालांकि पावरफुल हैं ये लोग सारे, ऐसा नहीं है कि ये कोई पावरफुल नहीं है ये लोग, ये अगर हमारा मौलवी कोई चाहे तो ये हज़ारों का मजमा इकट्ठा कर लेता है, लेकिन मसला ये कि इस मामले में इनके हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि वो अमरीका में बैठा हुआ, उन पर इनका जोर ही नहीं चलता, उन पर क्या जोर चलेगा इनका, कोई जोर नहीं चलता, गवर्नमेंट का भी कोई जोर नहीं चलता। गवर्नमेंट को बोलते हैं कि यार ये हमारी पॉलिसीज़ हैं, समझ नहीं आता YouTube बंद कर दो,
बंद कर देते हैं हमारे बंदे थोड़ी देर में खुद ख्याल आता है इनको, ये क्या कर दिया हमने। फेसबुक बोलता है ये हमारी पॉलिसी है, हम इस पॉलिसी के तहत चलते हैं, आपको ये पॉलिसी नहीं समझ आ रही, अपने मुल्क में फेसबुक बंद कर दो आप, दैट्स इट, हम अपनी पॉलिसी आपके लिए क्यों चेंज करें। फिर हम बोलते हैं अच्छा सही है चलो बंद कर दो, फिर थोड़े दिन में हमें ख्याल आता है अरे यार ये क्या कर दिया हमने, फिर खोल देते हैं हम दोबारा। फेसबुक को नुकसान होता है, हमें ज़्यादा होता है, फेसबुक को भी होता है लेकिन हमें ज़्यादा होता है। बहरहाल वो तो उस पर भी हमारे बंदे ज़रा से ज़्यादा वो है ना, हमारे बंदे उसमें भी ज़रा ज़्यादा जज्बाती है ना, तो उसमें भी ऐसा नहीं है कि किसी बंदे के मुंह से अगर कुछ निकल गया है अब वो गैर मुस्लिम है, उसके लिए किसी हद तक उसको टॉलरेंस हासिल होती है कि अभी उसको पता नहीं है, उसको समझाना होता है बताना होता है पूरी। हाँ बाकी ये कि जानबूझ के जो करता है उसको तो पाकिस्तान के कानून में भी इंतशार फैलाने के जुर्म में अंदर कर देते हैं फौरी तौर पे। बहरहाल तो पाकिस्तान में तो भाई हर चीज़ को फंडिंग वैसे भी हो रही है ना, अभी LGBT के कितने इवेंट्स हो रहे हैं आप देख रहे हो, ये कहाँ से पैसे आ रहे हैं इतने, तो कहीं ना कहीं से फ़ंड कर रहा है कोई ना कोई, सपोर्ट कर रहा है जब ही तो वो हो रहा है ना, तो ये तो चले ठीक है बैरूनी। हाँ ये शुरू हो गया है, बहुत स्पीड में चल रहे हैं ये लोग। वेल चलो भाई ये जल्दी से देखो पब्लिश कैसे होती है ऐप, ये स्क्रीन्स होती हैं ऐप का, आप यहाँ पे पैकेज अपलोड करते हो, ये SHA-256 का जो फिंगरप्रिंट है ये इस पर डालते हो आप, एंड दैट्स इट। ठीक है ये फिंगरप्रिंट कहाँ पर है ये आपको बता रहा है, assetlink.json के अंदर है ये फिंगरप्रिंट है। ठीक है ये आप डालते हो बस, दैट्स इट, नेक्स्ट करते हो अपलोड हो जाती है। हाँ बाकी आइकन ये स्क्रीन शॉट और ये XYZ इतनी सारी चीज़ें होती हैं, ये वो भी आती हैं बीच में, वो सारी चीज़ें भी डालनी होती हैं। क्या आया था? हाँ नहीं मतलब मैं समझा नहीं, सही है जो होम स्क्रीन पे जो आ रहा था, हाँ होम स्क्रीन पे जो आइकन आ रहा है वो तो हमने दिया था ना, वो पता है हमने कब दिया था, वो हमने दिया था जब वो हो रहा था यार वो हमने जो क्या बनाई थी फाइल, जो पहले कल की क्लास में बनाई थी हमने जो मैनिफेस्ट की फाइल में, हमने उस वक्त आइकन दिए थे बहुत सारे याद है, वो उन्हीं आइकन को सब जगह घुमा रहा होता है, उसको सब जगह दिखा रहा होता है फिर वो। अच्छा ये हो गया, इसको कर देते हैं कट अप, सही है इसकी कहानी यहाँ पे हो गई एंड।